संत कबीर नगर में स्वाट के प्रभारी करुणाकर पांडे व दुधारा एसओ गौरव सिंह ने संयुक्त रूप से दुधारा थाना क्षेत्र के बसडेला के पास से छापेमारी करके चोरी की 6 मोटरसाइकिलों के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों में से ताहिर अली उर्फ बबलू नामक अभियुक्त पर पूर्व से कई गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है और पहले भी कोतवाली पुलिस को चकमा देकर फरार हो चुका था। पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी विजय सिंह ने बताया कि फरार चल रहे अन्य अभियुक्तों की भी तलाश की जा रही है, जिन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ताहिर अली नाम का अभियुक्त है, जो गैंगस्टर का अभियुक्त भी रहा है, जिसके खिलाफ पहले गैंगस्टर भी रहे हैं और साथ में ये थाना खलीलाबाद कोतवाली से पुलिस की कस्टडी में भागा भी था, जिसका 223-224 आईपीसी का भी अभियोग पंजीकृत था। गैंगस्टर के मामले में इसके खिलाफ एक एनबीडब्ल्यू जारी माननीय न्यायालय द्वारा हुआ था, जिसके दम में इसकी तलाश जारी थी। इसी बीच जनपद में कुछ वाहन चोरी की घटनाएं भी घट रही थी, जिसके क्रम में स्वाट टीम को लगाया गया था। कुंभाकर पांडे के नेतृत्व में स्वाट टीम ने मुखबिरी डेवलप की, संयुक्त रूप से दुधारा पुलिस और स्वाट टीम को ये सफलता मिली है। कुल पूरे एपिसोड में 2 लोग मौके से पकड़े गए हैं, 2 भाग गए हैं, 1 और अभियुक्त है जिसके घर से, जिसके कब्जे से 2 मोटरसाइकिल और बरामद हुए हैं। कुल मिला के 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, 6 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जिनमें से 2 मोटरसाइकिलें अभी तक कनेक्ट कर ली गई हैं। एक का धनघटा में चोरी का मुकदमा लिखा है, एक का खलीलाबाद थाने में चोरी का मुकदमा लिखा हुआ है। बाकी 4 मोटरसाइकिलों को और कनेक्ट करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। 2 जो अभियुक्त भागे हुए हैं उनकी भी गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं।